बिरयानी कैसा है बना मैंने अरमान? नहीं बना। देखिए इसका लुक अच्छा लग रहा है ना। हम लोग के नाखून में कौन सा ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जो हम लोग के हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है? डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल साबरा यूसुफ अंसारी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज देखिए मैंने पहना ये सूट मैं पहनी हूँ। पहले तो मैं पहनने जा रही थी ये साड़ी पर्पल कलर की, जो काफ़ी प्यारा है, लेकिन मैं बन गई पुफ। बट मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है, मैं पहन ली। उसके बाद मगरिब का टाइम हो गया, मैं उसको मतलब थोड़ा ख़राब हो गया था, मैं उसको ठीक करने गई कि पूरा साड़ी ख़राब हो गया। उसके बाद मुझे चेंज करके जाना पड़ा वजू बनाने के लिए, तो मैं सोची कि आज रहने देती हूँ, फिर दूसरा दिन मैं पहन लूँगी। अभी चल रहा है हम लोग का मेकअप सीज़न, जो शाम के शाम हम लोग कभी कभी करते हैं हम लोग। ये देखिए इसका मेकअप, आईज मेकअप कौन किया? खुद से डार्क लग रहा है थोड़ा सा। आई लव यू, थैंक यू सो मच। इतना बेइज्जती तो सारा कोई लड़कों नहीं करेगा मेरा। तुम्हें बोल रहा है सुबह से मैं सोच रही, मैं कंफ्यूज हूँ कि आज क्या बनाऊँ रात के डिनर के लिए, सोया चिली बनाऊँ या फिर नहीं बनाऊँ, क्योंकि कल हो सकता है मैं भी कल बिरयानी बनाऊं, क्योंकि कल है संडे और संडे के दिन यहाँ मीट अवेलेबल होता है, हर रोज़ यहाँ पर मीट नहीं मिलता है। तो लेकिन फिर सोच रही हूँ, और आज सुबह से मेरे को सोया चिली और पूरी खाने का मन हो रहा है, बट फिर सोच रही हूँ कि ये दोनों हैवी हो जाएगा, अभी भी हैवी हो जाएगा और कल भी हैवी हो जाएगा, और दूसरा मुझे बाहर जाने का तो बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा है। तो बनाऊँ ना बनाऊँ, आई एम टोटली कन्फ्यूज, क्या करूँ? देखती हूँ क्या करती हूँ। अगर सोया चिली बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर मिलती हूँ। फाइनली अब जा रहे हैं हम लोग सोया चिली बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको सोया चिली की रेसिपी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगी। न्यूज़ कर रही हूँ, दो पैकेट सोया चंक और दो पैकेट सोया चंक को मैं पानी के साथ पहले बॉईल कर लेती हूँ। ये देखिए सोयाबीन जो है ये बॉईल हो चुकी है, अब इसका जो प्राइम पानी है उसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी और उसके बाद इसको मैरिनेट करके ऑलमोस्ट 10 मिनट रखूँगी इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका पानी जो है मैं सारा स्ट्रेन कर चुकी हूँ, अब इसमें मैं डालूँगी 1, 2, 3 टीस्पून जो है मैंने इसमें मैदा लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल है, अरा रोट जिसको बोला जाता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। देन इसमें 1 टेबल स्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टीस्पून जो है इसमें डालना है रेड चिली पाउडर, एंड हाफ टी स्पून डालना है काली मिर्च पाउडर, और ये है 1 टेबल 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम डालना है इसमें सॉल्ट। अब इसको मैरिनेट करके हम रख देते हैं ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए। इसकी देखिए इसकी कोटिंग हो चुकी है अच्छे से, और इसको मैरिनेट करके छोड़ने के बाद ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद इसको करना है फ्राई। एक तरफ तब तक मैं इसके लिए जो मसाला लगेगा, जो सॉस इसमें डालना है, मैं उसका जो इंग्रेडिएंट्स है एक जगह मैं इकट्ठे कर लूँ, और मैं पहले इसका मसाला रेडी कर लेती हूँ। इसका मसाला रेडी करने के लिए पहले मुझे चाहिए मस्टर्ड ऑयल, साइनिंग ऑफ फ्रॉम रिकनेक्ट सैमसंग। अगर आपके पास, अगर आप चाहे तो इस जिंजर गार्लिक को चॉप करके रख सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप नहीं किया तो इसमें मैं पेस्ट यूज कर रही हूँ, ठीक है। 1 टेबल स्पून पेस्ट, और ये हरी मिर्च, मैं पहले इसको फ्राई करूँगी। सेकंड
और ये सारा जो फ्राई करना है ये सब हाई फ्लेम पे करना है। ये जब पूरी तरह थोड़ा देर फ्राई हो जाए उसके बाद इसमें डालना है कैप्सिकम। ये दो कैप्सिकम है इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए इसमें से हल्का स्मेल आने लगा है। अब इसको मैं कैप्सिकम डाल के मैं फ्राई कर देती हूँ। जब ये इसको ज्यादा ज्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको पूरा क्रंची रखना है फ्लेवर में। ये देखिए अब ऑनियन को जो है मैं ऐसे लेयर बाई लेयर में निकाल रही हूँ। अब इसमें ऐड कर रही हूँ ऑनियन। बस इसको भी 1 मिनट ऑलमोस्ट 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो। अब इसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटो। ये सारा कुछ जो है बस इसे बारीक नहीं काटना है। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर। काली मिर्च और यहाँ पे मैं ऐड करूंगी सॉल्ट। ये देखिए हमारी सोया चंक कितनी क्रिस्पी बनी है एंड इट्स टू मच यम्मी। मैं इसे खा के भी टेस्ट कर चुकी हूँ। पता है मुझे सोयाबीन इतना पसंद है इसमें बनाने मैं बनाते बनाते मैं बहुत सारे सोयाबीन को खा ऐसे ही खा जाती हूँ। और प्लस इसमें जो हम लोग इसमें जो यूज़ किए हैं जो मसाला स्पाइसेस जो यूज़ किए हैं उसके साथ ही और भी अच्छी लग रही है। ये देखिए इन सबको मैं ऑलमोस्ट 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोयाबीन जो मैं फ्राई करके रख चुकी हूँ। और इसको ऐड करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा सोया सॉस मतलब इससे हाफ इस चम्मच से बिल्कुल हाफ क्योंकि सोया सॉस ज़्यादा डालने से फ्लेवर खराब हो जाता है। तो ये है रेड चिली सॉस। इसको ये है ग्रीन चिली सॉस। सबको मैं 1 टीस्पून अगर इसमें मैं टोमेटो यूज़ नहीं करती तो इसमें विनेगर मैं ज़रूर यूज़ करती पर मैं इसमें यूज़ कर चुकी हूँ टोमेटो तो विनेगर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें यूज़ करूँगी थोड़ी सी शुगर। आपने आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। और उसके बाद ऐड कर रही हूँ टोमेटो सॉस 1, 2।
और इसमें ऐड करूँगी हाफ टेबल स्पून शुगर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल हो तो ज़रूर डालें, और ये स्किप भी कर सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालने से जो ग्रेवी में थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है। तो ये देखिए मेरा इसका लुक देखिए, सी इसका लुक। इसको अब लो फ्लेम पे करके 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर इसका फ्लेम कर देंगे टर्न ऑफ। ठीक है, और इसके लिए हम बना रहे हैं पूरी। पूरी के साथ मुझे ये बहुत पसंद है। देखिए इसका लुक अच्छा लग रहा है ना, और टेस्टी बना होगा इंशाल्लाह ज़रूर। चीज पाया जाता है जो आटा को कॉम्बाइन करके, आटा जिसको ऐसा चिपक मतलब चिपका हुआ रहता है, कोई कुछ रहता है जो कॉम्बाइन करके रखता है आटा में, जैसे रोटी बनता है तो एकदम प्लेन बनता है ना, उसको खुरदरा नहीं होता, लेकिन वही जो ज्वार बाजरा का रोटी बनेगा तो वो फटाफट साइड से रहता है, पर वो कोई कौन सा चीज़ रहता है जो उसको एकदम होता है ना कॉम्बाइन करके रखता है आटा में, क्या पाया जाता है? नहीं सही सवाल है नरवान, ये भी हार गए हैं, ये साइंस का स्टूडेंट होके हार गए हैं। नहीं है, हमको पता था तो पता होने से क्या होगा, देख रहे थे आपको आ रहा है कि नहीं। चलिए निकलिए, हार गए जल्दी, हार गए। आप उसे हिंदी बता दीजिए तो हम मान गए। लार पाव जलाओ करो, लार सही है, ग्लूटेन तो उसका हिंदी होता है, नहीं पता तो वो लार होता है, लसलसा होता है। अच्छा दूसरा, हम लोग के नाखून में कौन सा ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जो हम लोग के हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है? नाखून में, हाँ, जो मतलब हेयर के लिए अच्छा होता है, बताइए बताइए। आप साइंस का स्टूडेंट है, ये फेलियर साइंस स्टूडेंट, नीचे से पढ़े हैं। आप बताइए, इतना यूट्यूब देखते हैं, बताइए आप, प्लीज बताइए। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, तो कौन सा नाम बताइए उसका, क्या प्रोटीन का कौन सा है जो हम लोग का हेयर के लिए अच्छा होता है, नाखून में कौन सा पाया जाता है, क्या चीज मतलब? तो प्रोटीन तो बोल रहे हैं, तो प्रोटीन का नाम है कुछ, दोनों में से कोई जवाब नहीं दे पाया ना, पता है, बता दो दीजिए प्रोटीन, वो प्रोटीन सबको पता है, प्रोटीन का नाम नहीं पता है, देख लीजिए मुंह ढक रहे हैं, पहली बार सही बोले, कह रही थी। बिरयानी कैसा बना अरमान? बहुत बढ़िया। आप बता दीजिए बिरयानी कैसा बना है ऐसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आपको मिलते हैं कल। शुक्रिया, शब्द खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।